हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिदा परवीन फिर से हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है बैगन आलू की सब्ज़ी मसालेदार। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैगन आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ये दो मीडियम साइज़ के बैगन लिए हैं, दो मीडियम साइज़ के आलू हैं, एक छोटा आलू है, दो टमाटर हैं, एक प्याज है। इसे अब हम अच्छे से काट लेंगे। सब्जी को मैंने काट लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। क्या आप देख सकते हैं, ये मैंने गैस पे कुकर रख दिया है और गैस को फ्लेम ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें 3 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल हमारा गरम हो रहा है, तेल हमारा गरम हो गया है। अब मैं इसमें ये प्याज ऐड कर रही हूँ। तेल गरम हो गया और मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं इसे हम बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, इसे बस लाइट ब्राउन ही करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक को हम 1 मिनट तक के भून लेंगे हल्का सा। मैंने इसे 1 मिनट तक के भून लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। ये 2 हरी मिर्च हैं जो मैंने पहले ही काट के रखी थी। ये 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसे भी हम 1-2 सेकंड के लिए भून लेंगे। ये मैं 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। इसे भी हम 1 मिनट तक के भून लेंगे। मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने अभी नमक नहीं ऐड किया है, मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। आप इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं। ये गरम मसाला पाउडर डाल के भी मैं इसे 2-3 सेकंड के लिए भून रही हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारे मसाले का कलर। मैं इसमें 1/2 चम्मच सब्जी मसाला ऐड करूँगी। मेरे पास ये है, आपके पास जो भी हो आप उसे डाल सकते हैं। मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपनी टेस्ट अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मसाला हमारा काफ़ी अच्छे से भून गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ये बैगन ऐड करेंगे। और ये आलू भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और ये टमाटर भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसमें जो टमाटर मैंने डाले थे ये आप देख सकते हैं, इसे हम चम्मच से ही इस तरह से मिक्स कर देंगे। और इस सब्जी में कोई भी पानी हम ऐड नहीं करेंगे, ये सब्जी टमाटर और बैंगन के पानी से ही गल जाती है। सब्जी
सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें ढक्कन लगा दूँगी और एक सीटी ले लूँगी। इसे मैं कुकर में बना रही हूँ, आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में बस ये 5 मिनट में ही बन जाती है और कढ़ाई में 15 मिनट लगते हैं, और सब्ज़ी का टेस्ट भी कुकर में ज़्यादा अच्छा आता है। आइए देखते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं, एक सीटी आ चुकी है, कुकर भी ठंडा हो गया है। इसे खोल के देखते हैं, देखिए हमारे बैंगन और आलू काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए आलू गल चुके हैं। अब हम लोग इसे हल्का सा भून लेंगे, इसे मिक्स करके भून लेंगे। मैं इसे 1-2 मिनट के लिए भून रही हूँ ताकि ये बैंगन इसमें अच्छे से मैश हो जाए। उसके बाद मैं इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बैंगन आलू की बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सब्ज़ी आपको कैसी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्दी एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। मैं शाहिदा परवीन, अस्सलाम वालेकुम।